हेलो दोस्तों, सर्दियों का मौसम आते ही हम सब लोग सर्दियों में मिलने वाली सब्जियों का आनंद लेना स्टार्ट कर देते हैं और इनमें से एक बहुत मशहूर सब्जी है गाजर, जिसका कि हलवा सर्दियों में किसी घर में ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज हम इस वीडियो में मिनटों में बनने वाला बहुत ही स्वादिष्ट बिना मावे का और बिना मिल्क पाउडर का गाजर का हलवा बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने ये 2 किलो गाजरों को अच्छी तरह वॉश करके और छील लिया है। अब हम इनको कद्दूकस से कस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी गाजर मैंने ग्रेट करके रेडी कर ली है। आप गाजर को काट के भी हलवा बना सकते हैं, पर उसमें वो टेस्ट और वो टेक्सचर नहीं आता जो ग्रेट करके गाजर में आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा ग्रेट करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, टाइम लगता है, बट टेस्ट भी उसी हिसाब से आता है फिर। तो चलिए अब इसको हम कुकर में थोड़ा सा दूध डाल के पकाएंगे। मैंने यहाँ कुकर में डाल दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी और फिर हम इसको 2-3 सीटी आने तक पकाएंगे। ढक्कन लगा के अब इसको पकाएंगे। 1 कप दूध डाला है मैंने, इसमें मलाई भी थी थोड़ी। 3 सीटी आने तक पकाएंगे। ढक्कन लगा के अब इसको पकाएंगे। 1 कप दूध डाला है मैंने, इसमें मलाई भी थी थोड़ी सी, तो वो भी डाल दी है। ये 2-3 सीटी लगाई है मैंने। बस अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, अब जल्दी से बन जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट कसी हुई गाजर को कढ़ाई में डालते तो बहुत टाइम लेती। तो ये क्विक रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, झटपट बनने वाली डिलीशियस सी और आसान रेसिपी है गाजर के हलवे की। मैंने लिया है 3/4 कप के करीब प्योर घी। अब इस घी में मैं ये सारे ड्राई फ्रूट फ्राई करूंगी। यहाँ मैंने लिया है किशमिश, काजू, बादाम, 5 से 6 हरी इलायची, छील के ले लेंगे इन्हें, ये ऊंच के बीज और ये सनफ्लावर सीड्स, ये सूरजमुखी के बीज, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो आप वो ले सकते हैं। मूंगफली भी डाली जा सकती है इनमें और बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बनाया जा सकता है। जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, उतने ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कलर चेंज होने तक इनको मैं फ्राई कर लूंगी। बस ये कलर चेंज हो गया फ्रेंड्स, अब इनको हम निकाल लेंगे। ज्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, अदरवाइज ये सारे काले हो जाएंगे और टेस्ट खराब हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सारा मैंने ये इसमें पलट दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड करती हूँ। थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। 1 कप दूध ऐड किया है मैंने, थोड़ा सा कस जाए यानी कि इवेपोरेट हो जाए, उसके बाद इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। कोशिश करिएगा आप इसको चौड़े मुंह के बर्तन में ही बनाएं, इससे क्या होता है कि ये जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, सारा टाइम हलवे को कसने में नहीं लगता है। कसने का मतलब मेरा यहाँ है कि पानी और हलवा बिल्कुल मिक्स हो जाए, पानी पूरा इवेपोरेट हो जाए और हलवा बिल्कुल मिक्स हो जाए। चलिए फ्रेंड, थोड़ा वेट करते हैं इसके पकने का। बस ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ ये जलना नहीं चाहिए, आँच को मीडियम लो रख सकते हैं आप। दोस्तों, यहाँ मैंने अच्छा सा रंग देने के लिए इसमें 1 चुकंदर भी कसकर डाला है, जिससे कि ये नेचुरल ही इसमें अच्छा सा रंग आ जाए।
अब इसके मैं डाल रही हूँ ये 1 कप फ्रेश क्रीम। अगर बाद में कम लगेगा तो हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे। अब क्रीम के साथ इसको भूनते हैं। पानी बिल्कुल सूख जाना चाहिए तभी ये बनके अच्छा बनता है, अदरवाइज में पानी पानी लगता है वो अच्छा नहीं लगता है खाने में। परफेक्ट टेस्ट आने के लिए पानी को पूरा सुखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस स्टेज पे जब पानी बिल्कुल सूखने लगे इसको कंटिन्यूस चलाना पड़ता है, अदरवाइज ये जल जाएगा। दोस्तों आजकल बहुत सारे यूट्यूब पर शॉर्टकट गाजर के हलवे के वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि गाजर का अगर आपको ऑथेंटिक हलवा खाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। गाजर का हलवा हम साल में 1, 2 या 3 बार ही बनाते हैं विंटर सीजन में, तो थोड़ी सी मेहनत करने में क्या जाता है। अगर हम हलवा टेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करने में क्या जाता है। शॉर्टकट बनाए हुए गाजर का हलवा, वो उसमें गाजर और दूध और पानी सब कुछ मिक्स नहीं होता, और बस देखने देखने में अच्छा लगता है, खाने में उसका कोई टेस्ट नहीं आता। देखिए दोस्तों दूध सारा इसमें अब्सॉर्ब हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे चीनी। ये मैंने ली है 1 कप चीनी। ये चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह चलाएंगे। अब चीनी डालने के बाद भी थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो अच्छी तरह चलाएंगे इसको और थोड़ी देर और भूनेंगे। 5 to 7 मिनट्स और चलाने के बाद इसमें हम इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। इलायची का पाउडर डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू हलवे में से आती है। ये 5-6 हरी इलायची मैंने छील कर उनका पाउडर बना लिया है। अब सारे ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रखे हैं वो भी इसमें ऐड कर लेंगे और थोड़ी देर और चला लेंगे हलवे को। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों वो डालें, बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बन सकता है। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं। तो लीजिए दोस्तों, मिनटों में बनने वाला बिना मावे का, बहुत ही कम दूध में बना हुआ, बहुत ही कम चीनी में बना हुआ गाजर का हलवा ऑथेंटिक टेस्ट के साथ बिल्कुल रेडी है।